आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्या बताने वाले हैं, आपको टाइटल और थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है Google पे तेज अकाउंट बनाना तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखते रहना है। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, समय समय से हर चीज़ का अपडेट आता रहता है और ऐसे में हर चीज़ का सिस्टम भी चेंज कर लेते हैं। जैसे हम अपडेट करते हैं वैसे उस सब का सिस्टम चेंज होता रहता है। तो फिर से दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अपना गूगल पे तेज अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है दोस्तों, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपको जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं अपना अकाउंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है गूगल पे। तो सिंपली यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे आ चुका है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन दिख रहा होगा, यही एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन दिख होगा, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फर्स्ट मरतबे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, आप कौन सा मोबाइल नंबर से इस अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं। और सिंपली यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली एक मरतबे आपको इस पर फिर से क्लिक कर देना है और चाहो तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इतना करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का OTP आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 6 अंक का OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे आप फिल कर दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट यूजिंग गूगल पे का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर योर स्क्रीन लॉक और क्रिएट गूगल पिन। चाहो तो यहाँ पे आप अपना खुद का भी यहाँ से फिर से एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन लॉक हो ये वो लॉक भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन लॉक है मैंने वहाँ पे टिक कर दिया है और सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे आपको अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों इतना करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए कितना यूजफुल है आप सभी को पता ही है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट पे पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे भी ले सकते हो। तो पता नहीं, मैंने इस एप्लीकेशन को कभी यूज नहीं किया, आप यहाँ से मोबाइल फ़ोन भी रिचार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, एप्लीकेशन काफ़ी यूजफुल है। यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे बैंक ट्रांसफर, फ़ोन नंबर, UPI। दोस्तों, यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ से आप बिल भी पेमेंट भी कर सकते हो, बिजली बिल भी भर सकते हो। तो दोस्तों, एप्लीकेशन काफ़ी यूजफुल है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।